अपने दर्शकों को बताएं, आतंकी अब्दुल रहमान, उस पर बड़ा अपडेट ये है कि आईएसआई ने ही मक्की को कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कर रखा है, क्योंकि उसे भी डर है, पाक खुफिया एजेंसी को मक्की के खात्मे का डर है, कहीं जो कैसर का हाल हुआ कहीं वो मक्की का हाल ना हो जाए। आपको बता दें कि बहावलपुर से रातों रात मक्की को हटाया गया आतंकी हाफिज के करीबियों पर हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जी जी, और हमारे साथ में खास मेहमान लगातार मौजूद है। आरएसएन सिंह साहब, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, जो मैं एक स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। हमने देखा था कुछ समय पहले हाफिज सईद का बेटा कमलाउद्दीन जो है वो भी इसी तरह से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कही गई, बात नहीं कही गई, लेकिन वही पैटर्न जो है अब मक्की के भी केस में नजर आता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब चाहे आईएसआई हो या हाफिज सईद खुद समझ चुका है कि अब खतरा जो है आने वाला है? कोई भी आतंकी संगठन, उसका जब शीर्ष नेता पर हमला होता है और वो शीर्ष नेता उसका को रास्ते से वो उसको हटा दिया जाता है, तो ये देखा गया है कि उस संगठन में बिखराव होना बिल्कुल बिल्कुल तय है। तो वही आप बिखराव देख रहे हो, जो इधर वो फिर अपने सेल्स को फिर रिलोकेट कर देते हैं, इधर उधर जाके छुप जाते हैं कि पता नहीं अगला टारगेट क्या होगा। और हमने तो देखा है कि जहां आपने सर को कुचल दिया, यानी संगठन के जो शीर्ष जो नेतृत्व है उसको अगर आपने कुचल दिया, तो 90% मैंने देखा है कि वो तमाम जो जिहादी संगठन हो या क्रिमिनल संगठन हो या से उग्रवादियों का संगठन हो, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, हमारे लिए तो ये गुड न्यूज़ है।